भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का टेस्ट क्रिकेट का स्ट्राइक रेट ही इतना दमदार है जितना तमाम दिग्गज खिलाड़ियों का वनडे क्रिकेट का स्ट्राइक रेट भी नहीं है। वीरेंद्र सहवाग ने वनडे क्रिकेट में तो 100 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए ही हैं, वहीं टेस्ट मैचों में भी इस आक्रामक बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट 82.23 रहा। सहवाग ने इस स्ट्राइक रेट से टेस्ट क्रिकेट में 8500 से भी ज्यादा रन बनाए हैं। उनके ये आंकड़े ये साबित करते हैं कि वे कितने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते थे। यही कारण है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार कम गेंदों में शतक ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी भारतीय टीम के इस विस्फोटक ओपनर के नाम दर्ज है। दरअसल अक्सर शतक को दोहरे शतक और दोहरे शतक को तेहरे शतक में तब्दील करने वाले वीरेंद्र सहवाग ने 7 बार 100 से कम गेंदों में टेस्ट क्रिकेट में शतक ठोककर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। वीरू ने 78, 2 बार 87, 2 बार 90, 93 और 97 गेंदों में टेस्ट मैचों में शतक ठोके हैं। टेस्ट क्रिकेट में कुल 23 शतक जड़ने वाले वीरेंद्र सहवाग ने 7 शतक तो महज 100 से कम गेंदों में ठोके हैं। इस मामले में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट का नाम आता है जिन्होंने 6 बार ये कारनामा किया था। तीसरे नंबर पर बड़े ही ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, वेस्टइंडीज के आक्रामक बल्लेबाज क्रिस गेल और न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम जैसे बल्लेबाज हैं, लेकिन ये खिलाड़ी सिर्फ 4-4 बार टेस्ट मैच की एक पारी में 100 से कम गेंदों में शतक ठोक पाए। सहवाग के अलावा टॉप 10 में भारत की तरफ से अब तक सिर्फ कपिल देव का नाम ही इस रिकॉर्ड लिस्ट में शामिल है जो 3 बार 100 से कम गेंदों में टेस्ट सेंचुरी जड़ सके। कपिल देव की तरह ही पाकिस्तान के बल्लेबाज शाहिद अफरीदी, वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा और इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी यान बॉथम भी 3-3 बार 100 से कम गेंदों में शतक ठोक चुके हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग का सबसे ज्यादा बार 100 से कम गेंदों में शतक ठोकने का ये रिकॉर्ड कौन सा बल्लेबाज तोड़ सकता है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और क्रिकेट के ऐसे और रोमांचक रिकॉर्ड्स जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।